हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू एपिसोड ऑफ ऋषभ कुक फूड। मैं आपका ऋषभ कुक फूड में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज एक हम ऐसे डिश बनाने वाले हैं जो डिश बहुत ही ज़्यादा एक नामची डिश है। तो मेरे को काफ़ी सारे इन दिनों में मैसेज आए कि एक आजकल रेस्टोरेंट्स नहीं खुले हैं काफ़ी, या काफ़ी रेडी वाले नहीं खुले हैं। तो हम बनाने वाले हैं आज छोले, भटूरों वाले छोले। तो इसका नाम है पिंडी छोले। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये मेरे भीगे हुए छोले हैं। 8 से 9 घंटे मैंने इसको भिगो रखे थे और इनको 5 सीटी लगाई हुई है मैंने। तो अच्छे देखिए, थोड़े से टी बैग के साथ 2-4 टी बैग ले लीजिएगा, उसके साथ बॉईल कर लीजिएगा। और ये मैं ले रहा हूँ कि तेल, ये आधा से थोड़ा सा कम तेल है। और इसके अंदर पूरा कप जो बाकी का बचा हुआ है कप में, वो जाएगा हमारा पूरा का पूरा देसी घी। तो इसमें देसी घी और तेल का बहुत अच्छा एक मेल होता है, क्योंकि ये पिंडी छोले हैं। तो पिंडी छोले जो होते हैं ना, वो बिल्कुल मतलब एकदम तेल और उसी के ही होते हैं। आपने देखा होगा छोले भटूरे वाला, जब हमारा वो बना रहा होता है छोले, तो वो अलग से कड़छी से उसके अंदर तेल डालता है, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लेवर आता है वो इसी से आता है। तो ये हमारा है छोले मसाला, हम रेडी कर रहे हैं। ये जीरा डाल रहे हैं 3 हिस्से, मतलब 3 टीस्पून आप डाल लीजिएगा जीरा, और उतना ही 3 स्पून अपन डालेंगे अजवाइन। इसका अच्छा फ्लेवर होना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी के हम इसको आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, जितना आपको क्वांटिटी में चाहिए होगा। 5 टीस्पून धनिया के बीज, मतलब कि कोरिएंडर सीड्स डाल रहे हैं हम 5 छोटे चम्मच। और ये आधा है जायफल नटमैग, आधा आप तोड़ के नटमैग डाल लीजिए। और ये 4 बड़ी वाली काली इलायची, 4 बड़ी वाली काली इलायची डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा। 9 से 10 लौंग, इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। और मतलब मसाले में जो जो सामान जाता है इसमें, मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। 5 छोटी इलायची, मैं पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, तो समझ ले 2-3 चम्मच, आप 1-2 चम्मच डाल लीजिए, जितना आपको टेस्ट के सबसे अच्छा लगता हो। और ये 3 तोड़ के मैं तेज पत्ते डाल रहा हूँ। और ये डाला है मैंने 2 साबुत काली मिर्च, मतलब बड़े पूरे पेपर कॉर्न्स होते हैं, वो डाले हैं मैंने 2 चम्मच। तो अच्छे से अब इसको सॉटे करेंगे, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, एकदम स्मेल आने लग जाए इनमें अच्छी वाली, एकदम फ्रेग्रेंस आने लग जाएंगी। सॉटे करें एकदम, देखिए क्या एकदम ब्राउन हो जाएंगे ना सारे पत्ते वत्ते, जितने भी सब कुछ है, देखिए ब्राउन हो जाएगा। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा टाइम लगेगा। मीडियम फ्लेम पर पकाएं इसको, फिर इसको एकदम फाइन पाउडर कर लो, या जिस हिसाब से आपको थोड़ा कुरकुरा भी पसंद हो तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो ये बिल्कुल फाइन करके एकदम, और ये आपका तैयार हो जाएगा पाउडर, छोले पाउडर, छोले मसाला। तो अब हम कोई गाइस रोकने के लिए थोड़ा फिर से खेद है, तो खेद है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रोडक्ट्स आप मेरी वीडियो में मेरे साथ देख रहे हो, वो प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हो मेरे साथ। मैंने इसके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाइए क्लिक कीजिए, बाय कीजिए, हो सकता है आपको बहुत अच्छा वाला डिस्काउंट भी मिल जाए। तो हरी अप, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब आप एक पैन ले लीजिए, उस पर अपने उबले हुए छोले डाल दीजिए। जो उबले हुए छोले डालेंगे उसको हल्का सा सॉटे कर लें, और सॉटे करने के बाद उसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा 2 चम्मच हमारी लाल मिर्च, रेड चिली, जो कि इसके अंदर एक बहुत अच्छा फ्लेवर और कलर देगा। और 2 स्पून हमारे कोरिएंडर पाउडर शेयर कर दें, ठीक है, ये रेसिपी शेयर ज़रूर करनी है आपको। इसको सॉटे करें हल्का। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारी छोले हैं, एक्चुअली में छोले इंडियन है भी नहीं, मतलब मैं आपको सच सच बता रहा हूँ ये वाली बात, छोले इंडिया के नहीं हैं। पहले छोले मिडल ईस्ट से आए थे, फिर जब वो इंडिया में लेकर आए छोले, तो हमारे यहाँ पे लोगों ने छोले को ऐसा अपना लिया कि छोले हमारे हो गए। अब 64% छोले हमारे इंडिया में उगते हैं और 34% बाहर, तो है ना मज़े की बात। तो इसके अंदर हमने अपना मसाला डाला है, छोले मसाला, और ये आमचूर पाउडर डाला है 1 चम्मच, छोले मसाला 3 चम्मच, या जितना आपको अपने टेस्ट के अनुसार पसंद हो उतना।
और एक चम्मच हमने अमचूर पाउडर, ठीक है। और ये डाल रहा हूँ मैं प्याज, डेढ़ मीडियम साइज़ अनियन मैंने काटे थे जूलियंस में, और ये आधा कैप्सिकम। बहुत कैप्सिकम एकदम इसमें रच जाएगा, आपको ये टेंशन नहीं कि मैंने कभी कैप्सिकम इसमें देखा नहीं है, बहुत अच्छे से इसके अंदर रच जाएगा। और थोड़ा से जूलियंस ऑफ जिंजर, अदरक के लंबे लंबे कटे हुए टुकड़े डालें उसके अंदर। अब हम डालेंगे एकदम सुपर हॉट ऑयल, धुआं निकलना चाहिए उस ऑयल में से, वो ऑयल डालेंगे हमारे छोलों के अंदर जब मसाला वसाला हल्का भून जाए उसके बाद। और प्याज व्याज के ऊपर डालें आराम से, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, डरना नहीं है, पूरा डालें, पूरा का पूरा पी जाएगा ये, और इतना अच्छे से पकेगा कि मज़ा आ जाएगा बस। देखो वाह क्या लग रहा है, एक कलर कॉन्स्ट आज इतना अच्छा लग रहा है कि बस खाने का मन कर रहा है। अब उसमें पानी डाल लीजिए अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जितना आपको थिक या जितना आपको लाइट पसंद हो उतना आप बना सकते हो, तेल वेल अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ऐसा तेल ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ही लेना है, जितना आपको लगे। ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने दिखाया है कि रेस्टोरेंट में कैसे बनाया जाता है, आप अपने हिसाब से भी इसको देख सकते हो। ये डाल रहा हूँ मैं ब्लैक सॉल्ट, नॉर्मल ऑयल नहीं, मतलब नॉर्मल मैं सॉल्ट नहीं डाल रहा हूँ, मैं ब्लैक सॉल्ट डाल रहा हूँ, और आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं ब्लैक सॉल्ट को, या सॉल्ट भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो सॉल्ट भी आप कर सकते हैं। इसको अच्छे से पका लें 10-15 मिनट, 9-10 मिनट लगभग, 9-10 से 15 मिनट तक पका लें अच्छे से। जब एकदम पक जाए अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें, और ये आपके छोले इतने ज़बरदस्त लगनेंगे ना भटूरों के साथ, गोल गोल फूले फूले से जो भटूरे होंगे वो हो। थोड़ा प्याज काट लें उसके साथ अलग, नींबू निचोड़ें और छोले वो लगा के खाएं। मैं क्या बता रहा हूँ, क्या खुशबू इसकी आ रही है अभी फ़िलहाल। और ये देखो क्या छोले लग रहे हैं, वाह क्या छोले हैं, वाह वाह। ऐसे ही मतलब बिल्कुल इतने प्यारे बनेंगे आपके छोले। देखो सारा तेल वो पी चुका है, रच चुका है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लगेगा आपको देखने में, लेकिन जो टेस्ट आएगा फ्लेवर आएगा वो इसी का आएगा। तो ये ज़रूर ट्राई करें रेसिपी अपने साथ, और मुझे भी बताइएगा ज़रूर कितने प्याज से सजाएं, और थोड़े से डालें इसके ऊपर जिंजर, और एक पुदीना या धनिया जो भी हो आप डाल के यूज़ कर सकते हैं। वाह क्या फ्लेवर है। सो गाइस देखा आपने कितनी इजी है ये वाली भी रेसिपी, ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज़ आने वाली हैं अभी, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है इस चैनल की। आप ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए और बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई भी आपकी इंक्वायरी हो प्लीज़ मुझे DM करो, डायरेक्ट मैसेज करो इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो मैं आपका मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ। और अगला क्या देखना चाहते हो वही कमेंट बॉक्स में नीचे बताओ, और मेरे सबटाइटल्स इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं, आप जिस तरीके से देखना चाहें आप उसको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।